वाड़ी निवासी नितेश जंगले ने अपने फेसबुक पेज से भगवान के प्रति अभद्र व्यक्त करने के कारण वाड़ी शहर का वातावरण काफी समय तक बिगड़ गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार हिंदू धर्म के आराध्य देवत भगवान श्री राम और बजरंग बली के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र रूप से विवादित बयान करने वाले वाड़ी निवासी नितेश जंगले को वाड़ी पुलिस ने हिरासत में लिया है। जंगले ने फेसबुक पर पोस्ट करने से समाज में टेढ़ निर्माण करने जैसा वातावरण हो चुका था। वाड़ी पुलिस स्टेशन में शनिवार सुबह 9 बजे से विविध पक्ष संगठना के सदस्यों द्वारा आक्रामक होकर थाने का घेराव किया। वाड़ी पुलिस स्टेशन में उपस्थित पुलिस उपायुक्त अनुराग जैन ने निष्पक्ष रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी ऐसा आश्वासन दिया। विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग बल द्वारा इस मामले का निषेध दर्ज कराया गया। साथ ही आरोपी जंगले यह असामाजिक तत्वों से लिप्त है और उस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग जोर पकड़ रही है। गलत पोस्ट करने से हिंदुओं के धार्मिक आस्था को आहत हुई है। आरोपी के असामाजिक तत्व के ऊपर जल्द से जल्द कोई ठोस कार्रवाई करे जिससे उस पर लगाम लगे, अन्यथा बजरंग दल स्टाइल में उग्र आंदोलन करेंगे, ऐसी चेतावनी बजरंग दल ने ज्ञापन द्वारा पुलिस को दी है। हालांकि आरोपी नितेश जंगले को पूछने पर फेसबुक अकाउंट हैक हुआ था या बयान किसी और ने लिखा होने की जानकारी दी है। पुलिस उस ओर से भी मामले की जांच करी है। वाड़ी निवासी आरोपी नितेश जंगले पर पुलिस ने आईपीसी धारा 295(1) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी जंगले को गिरफ्तार किया है। निषेध प्रदर्शन भक्तों द्वारा जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाए गए। पुलिस थाने का घेराव किया गया। जिले के विविध पुलिस थाने में अपराध दर्ज करने की मांग भक्तों द्वारा की गई है। बता दें कि नितेश जंगले हिंगना विधानसभा चुनाव में विधायक के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी से खड़े हुए थे। शहर में हुए विवादित मामले से वातावरण शांत रखने की अपील उपायुक्त अनुराग जैन, पीआई प्रदीप रायनवार इन्होंने की है। वाड़ी थाने में डीसीपी अनुराग जैन को ज्ञापन सौंपते समय केशव बांद्रे, आनंद कदम, संतोष केचे, दिनेश कोचे, दीपक दुधाने, नितेश गोडे, अखिलेश सिंह, जयंत वैद्य, किशोर कावरे, नितिन फटिंग, कमलाकर इंगड़े, गिरीश पांडे, मोहन पाठक, संतोष गुप्ता, मयांक राकेट, राजेंद्र यादव, प्रणय घाटोड़े, तिवारी, राजेश गिरी, कृष्णा मिश्रा, एमके शर्मा, मान सिंह ठाकुर, आनंद सिंह, कुमार टाले, महेंद्र मिश्रा, पद्माकर दुबे, संतोष दुबे, नितिन पटिंग, लता ठाकरे, कल्पना सखदेव, सरिता यादव आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। वाड़ी शहरा मध्ये एक मोबाइल वर सर्वांचा एक कमेंट्स जे आहे फेसबुक वर वायरल होता है आणि ते जे कमेंट्स केलेला आहे ते एका पक्षाचे जबाबदार आणि विधानसभेचे निवडणूक लढलेले सद्ग्रस्त आहे, त्यांना एवढी सद्बुद्धी राहायला पाहिजे होती, त्यांनी ते हेतुपुरस्पर केलं की लोकांच्या भावना भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि त्याच्यातून आपलं नाव मोठं करण्याचा प्रयत्न करत आहेत हे त्यांचं त्यांना माहीत आहे। पण जे काही त्यांनी कमेंट्स त्या आमच्या देवी देवताबद्दल केलं आहे त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो। आज आम्ही त्यांच्या विरोधात या ठिकाणी तक्रार नोंदवलेली आहे आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी अशी आमची सगळ्यांच्या सर्व पक्षाच्या लोकांची मागणी आहे। ते एका पक्षाचे जबाबदार पदाधिकारी असून सुद्धा त्यांनी या पद्धतीची वागणूक केली ही त्या पक्षासाठी निंदनीय आहे आणि त्यांच्यासाठी पण निंदनीय आहे। असे कृत्य समाजामध्ये राहून समाजात दुफळी निर्माण करण्याची जो प्रयत्न करते त्याच्यावर शासनाने कठोर कारवाई करावी आणि त्याच्यावर जर कठोर कारवाई या पोलीस स्टेशनला झाली नाही तर आम्ही वरच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत, पोलीस डिपार्टमेंटपर्यंत आणि गृहमंत्रालयापर्यंत या गोष्टीची सहनिशा करून त्याच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, जेणेकरून वाड़ीमध्ये आजपर्यंतचा इतिहास आहे, कोणत्याही समाजात कोणत्याही धर्मामध्ये कधी भांडण झालं नाही आणि याच्यानंतर जर त्यांची इच्छा असेल की असं झालं पाहिजे तर हे समाजासाठी कुठेतरी हानिकारक आहे। वाड़ीच्या इतिहासामध्ये कधीही कोणत्या निवडणुकी असो किंवा सामाजिक कोणतेही संघट काम असो आणि कोणतेही सण असो, मग धार्मिक असो सामाजिक असो, या ठिकाणी कुठेही कधीही झगडा झाले नाही आणि या झगडा करण्याचा यांचा जर मानस असन तर त्यांनी हे आपलं जे कृत्य आहे हे याच्यानंतर कधी होऊ नये, याच्याकडनंच नाही याच्यानंतर कोणत्याही व्यक्तीकडनं, मग तो कोणत्याही धर्माचा असो, कोणत्याही संप्रदायाचा असो, कोणत्याही जातीचा असो, असं कृत्य कोणत्याही देवी धर्मा देवी देवताबद्दल किंवा महान थोर पुरुषाबद्दल झाले नाही पाहिजे याची सगळ्यांनी दक्षता घ्यावी ही विनंती। हिंदू देव देवताच्या बद्दल जी ही पोस्ट जी टाकली आहे ही चांगली न टाकली आहे, त्याच्यामुळे हिंदू धर्माच्या भावना दुखावलेल्या आहे। त्यांनी ही जी ज्यांनी पण ही पोस्ट टाकलेली आहे त्याच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे।
देवी देवता के ऊपर जो भी लोग गलत बातें कर रहे हैं इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए, इनको कम से कम एक साल के लिए इनको अंदर डालना चाहिए और दोबारा ऐसी कार्रवाई और दोबारा ऐसा कोई कदम न उठाए, ये मेरी मांग है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कल रात को मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया कि जिसके अंदर में देवी देवताओं के बारे में गलत टीका टिप्पणी की गई है, उसके संदर्भ में हम लोगों ने उसका संज्ञान लेते हुए आज वाड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर में अपना निवेदन दिया और उनको बोला गया है कि जो कायदेसर कार्यवाही होता है वो कार्यवाही करे और जैसे ये असामाजिक तत्व वाड़ी के अंदर में है जो आज तक कभी नहीं हुआ और इस तरह के कृत्य किए हुए हैं उनके ऊपर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, किसके पीछे किसका हाथ है और क्या नियोजन से किया गया है। देवी देवताओं के प्रति इन्होंने जो शब्द वापरे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। वाड़ी में अभी तक कोई भी समाज के प्रति या कोई भी इसके प्रति कभी किसी ने ऐसे अशब्द नहीं वापरे हैं। हम उन सबका निषेध करते हैं और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने पुलिस स्टेशन में उसका रिपोर्ट भी दिया है और हम ये सब महिला मिलकर यही चाहते हैं कि उसके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टर व्यवसाय की तरफ से ये जो देवी देवताओं के ऊपर में टीका टिप्पणी हुआ है, मैं प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि इस पर ऐसी कठोर कार्रवाई हो ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना न घटे। मिशन न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।